Hi guys, hello everybody. Have a prettiest morning, have a great time to all of you, and welcome to our YouTube channel that is EduOcean Tutorials, the power of education. This is a pure educational YouTube channel, and we will provide you the best of the best quality and high-tech education. So please guys, subscribe our channel, like it, share it as much as you can, and please comment it, because your small step of a response, it will an empowerment of us and it will encourage us to provide you the best educational services. You can also follow us on Facebook, Instagram, Telegram, as well as Twitter with the same brand name in India, that is EduOcean Tutorials, the power of education. So keep watching and don't forget to press the bell icon. It will provide you the new notifications, and we will be glad to provide you the educational services. Have a nice day to my all lovely students. And today we are, you already know that हमारा टॉपिक चल रहा है फ्रैक्शन एंड डेसिमल, और उसमें आज हमारा पार्ट है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो एक डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और उसके बाद मैं बताऊंगा एक डेसिमल नंबर का डिवीजन कैसे करते हैं, और बीच में एक वर्ड प्रॉब्लम या दो वर्ड प्रॉब्लम हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, नाउ तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेशन पार्ट। तो क्या होता है, चलो मैं इसको आपको डिटेल में बताता हूँ। बीट नंबर वन डाल देते हैं 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 6। ठीक है, नाउ अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 6 2 12, लिख लो 6 0 0, लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। एंड नॉट पार्ट इज, अब हमको डेसिमल पॉइंट कहाँ पे देना है। देखो यहाँ पर 0.2 वन डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, कितने डिजिट के बाद, वन डिजिट के बाद। तो हमारे आंसर में भी पीछे से वन डिजिट के बाद आंसर आ जाना चाहिए, मतलब इसका फाइनल आंसर अगर हमने देखा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1.2। ओके, 0.12 भी लिखेंगे तो चलेगा, बेटर है 1.2। ना व्हाट अबाउट योर बीट नंबर 2, दैट इज 8 मल्टीप्लाइड बाय 4.6। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट योर 4.6 मल्टीप्लाइड बाय 8। ये सिंगल डिजिट ऐसे नीचे ले लिया मैंने, मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 48, कैरी कितना होता है 4। ठीक है, नाउ 8 4 32 32 प्लस 4 36। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन के डेसिमल पॉइंट कहाँ देना है। इन योर क्वेश्चन यू कैन सी हियर आफ्टर वन डिजिट देर इज अ डेसिमल पॉइंट। ठीक है, देयरफॉर वी हैव टू गिव डेसिमल पॉइंट आफ्टर वन डिजिट इन आंसर आल्सो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दैट गिव्स यू 36.8। ठीक है, आफ्टर दैट बीट नंबर 3, क्या दिया हमारा बीट नंबर 3, 2.71 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो यहाँ पे अरेंज करो 2.71 मल्टीप्लाइड बाय 5। नाउ मल्टीप्लीकेशन कितना होता है वो चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 1 5 5 7 35, कैरी 3, 5 2 10, 10 प्लस 3, दैट गिव्स यू 13। एंड व्हाट इज द डेसिमल पॉइंट, अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करो 1 2 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट देना है। योर आंसर शुड बी, व्हाट इज योर आंसर, 13.55 55। ठीक है, 55 रीड नहीं करना, डेसिमल पॉइंट के इधर के जो डिजिट्स होते हैं उसे हम ऐसे 55 25 रीड नहीं करते, वो 10th प्लेस एंड 100th प्लेस के ऊपर बैठे हुए। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं हमारे बीट नंबर 4 की तरफ, और ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर मैंने लिख के रखा हूँ बीट नंबर 4 कितना दिया है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। ओके, दैट इज 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 10। अभी आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करो, नो प्रॉब्लम, बट 10 से मल्टीप्लाई करने से बेटर हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। एंड व्हाट इज दैट शॉर्ट ट्रिक, सिंपल है, दैट इज़ वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 10, रिमूव योर डेसिमल पॉइंट बाय वन डिजिट, राइट साइड में आपको शिफ्ट करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका आंसर, 13, फिनिश। 13 लिखो या 13.0 लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद बीट नंबर 5, क्या दिया, दैट इज 1.537 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू, अब इसे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखो 100 में कितने जीरोज होते हैं, देर आर टू जीरोज,
देन यू हैव टू शिफ्ट योर डेसिमल पॉइंट बाय टू डिजिट. तो कितना हो जाएगा, वन पॉइंट तो हो चुका था, पहले नंबर लिख लो 1537. अभी पॉइंट कहाँ पे देखे, यहाँ का पॉइंट जाएगा 3 के बाद, मतलब कितना हो जाएगा 153.7. पहले कहाँ पे था पॉइंट 1.53, अभी कहाँ पे आ गया 153. वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 100, मतलब डेसिमल पॉइंट को हमको दो जीरो से राइट साइड में शिफ्ट करना है. आफ्टर दैट बीट नंबर 6 कितना हो जाएगा 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल टू कितना आने वाला है, देखो आपका आंसर. वी हैव टू शिफ्ट योर डेसिमल पॉइंट बाय ओनली एंड ओनली वन डिजिट, दैट गिव्स यू 0.8. ठीक है, देखो पहले क्या था 0.08, अभी क्या बन गया 0.8. 10 से मल्टीप्लाई कर रहे, देर इज ओनली 10. शिफ्ट योर डेसिमल पॉइंट टू राइट साइड बाय ओनली वन डिजिट. ठीक है, तो बढ़ते अब हमारे नेक्स्ट बीट, दैट इज बीट नंबर 7 की तरह. व्हाट इज योर बीट नंबर 7, 1.9 मल्टीप्लाइड बाय 1000. ठीक है, यहाँ स्टूडेंट थोड़े से कन्फ्यूज होते हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपल है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर 19 एंड ये 1000 के 3 जीरोज़ हम यहाँ पे ले लेते हैं. ठीक है, नाउ शिफ्ट योर डेसिमल प्लेस. अभी यहाँ पे देखो 3 जीरोज़ है, तो आपका जो डेसिमल पॉइंट है पहले यहाँ था, यहाँ से 3 डेसिमल प्लेस तक मूव करना है 1, 2, 3. अब आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, मतलब फाइनल आंसर इज 1900. कि तो ये इधर का नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, और यू कैन राइट दिस आंसर आल्सो, नो प्रॉब्लम. ठीक है, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड योर बीट नंबर 8, एंड व्हाट इज दैट, 3.62 मल्टीप्लाइड बाय 100. एज यू नो दैट 100 मीन्स देर आर 2 जीरोज़, यू हैव टू शिफ्ट यूर डेसिमल पॉइंट बाय 2 डिजिट. ठीक है, यूर आंसर शुड बी 3.62. ठीक है, अब डेसिमल पॉइंट कहाँ पे बोले तो आप ऐसा बता सकते हो, जनरली ये कंप्लीट नंबर होने के बाद आपको डेसिमल पॉइंट बताने की जरूरत नहीं है, दैट यू कैन राइट हियर 362. दिस आर द सब मल्टीप्लीकेशन. उसके बाद हम देखते हैं डिवीजन, और उसके बाद हम देखेंगे एक वर्ड प्रॉब्लम. तो ठीक है सुन, तो मैं आपको मेरी तरफ से एक छोटा सा आपको और एक दो बीट बता देता हूँ, बीट नंबर 9 एंड बीट नंबर 10. ये आपको छोटा सा मेरी तरफ से होमवर्क रहेगा. ठीक है, नाउ व्हाट इज दैट, 1.98 मल्टीप्लाइड बाय 10, और एक डिफरेंट वन दे देता हूँ 7.42 मल्टीप्लाइड बाय 6. दीज आर टू बीट्स आर होमवर्क विथ मी. चलो, तो अभी इसके बाद मैं बढ़ता हूँ एक वर्ड प्रॉब्लम की तरफ. ओके, वी हैव वन वर्ड प्रॉब्लम इन आवर एक्सरसाइज, एंड व्हाट इज दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड दिस. फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर आवर गिवन इन्फॉर्मेशन, दैट इज लेंथ इज, व्हाट इज दैट, 5.7 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ इज, व्हाट इज योर ब्रेथ, दैट इज 3 सेंटीमीटर. आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू नो द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आई विल राइट ऑन द बोर्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू व्हाट यू गेट, लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके, ये हमेशा लर्न रखना, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, हमेशा याद रखना. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ, 5.7 मल्टीप्लाइड बाय 3. नाउ अभी से कैलकुलेशन करना, व्हाट यू गेट, 3 7 21, कैरी 2 3 5 15, 15 प्लस 2 17. अब वही कंसेप्ट वेर वी हैव टू गिव द डेसिमल पॉइंट, यहाँ पर आफ्टर वन डिजिट है, देर फॉर यू मस्ट हैव टू गिव द आंसर हियर. और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट जोन आता है, दैट इज द यूनिट. ठीक है, एज यू सी हियर, लेंथ इज इन सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इन ऑल्सो सेंटीमीटर, योर एरिया इज इन सेंटीमीटर स्क्वेयर. ओके, और यू कैन राइट हियर लाइक दिस, 17.1 स्क्वेयर सेंटीमीटर, दैट इज एस क्यू एंड सी एम स्क्वेयर सेंटीमीटर. ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, तो स्टूडेंट अभी देखते हैं कुछ और एक्स्ट्रा मल्टीप्लीकेशन, और बाद में हम बढ़ते हैं हमारे वर्ड प्रॉब्लम की तरफ, डिविजन की तरफ भी बढ़ना है अभी हमको. ओके स्टूडेंट, वी हैव टू अगेन कम हेयर फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल, एंड दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डे ऑफ मल्टीप्लीकेशन. प्रीवियस टाइप में जो हमने देखा था वो थोड़े से ईजी थे, यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन है वो थोड़े से डिफरेंट है, एंड यू हैव टू सिंप्लीफाई रिमेनिंग क्वेश्चन ऑल्सो. ठीक है, माई फर्स्ट बिट इज 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.3. तो क्या करना है स्टूडेंट, कुछ देर के लिए इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव कर लो. आई विल राइट हियर 25 मल्टीप्लाइड बाय, इसका भी डेसिमल पॉइंट रिमूव कर लो, तो कितना हो जाएगा 3. यू कैन राइट 03, नो प्रॉब्लम.
Now multiply this 25 3 up, you know that the answer is 75. लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि वेर वी हैव टू गिव द डेसिमल पॉइंट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर द आंसर 75. ओके, बट वेर वी हैव टू गिव द पॉइंट, यहाँ पे आप देखोगे वन डेट के बाद डेसिमल पॉइंट है और यहाँ पर भी वन डेट के बाद डेसिमल पॉइंट है. वन प्लस वन व्हाट यू गेट टू, देयरफॉर वी हैव टू गिव द डेसिमल पॉइंट आफ्टर टू डिजिट, वन टू यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होगा. तो ये यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, देन वी हैव टू ऐड जीरो, दैट गिव्स यू आंसर 0.75. तो आगे के बीट में भी देखेंगे इस तरह के कैलकुलेशन होते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज योर बीट नंबर टू, अगेन आपको एक चांस है टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन. पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 51.7, व्हाट यू गेट, आई विल राइट हियर 51.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.1. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू दिस मल्टीप्लीकेशन. आप चाहे तो डेसिमल पॉइंट रिमूव करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बाद में डेसिमल पॉइंट दे देना, ठीक है. वन से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, यू गेट द सेम आंसर 517. नाउ आई विल राइट हियर द आंसर 517. उसके बाद इफ यू ऑब्जर्व, यहाँ पे वन डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, पीछे से काउंट करो. यहाँ पे वन डिजिट के बाद पॉइंट है, पीछे से काउंट करो. वन प्लस वन, तो आंसर में हमको दो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा. एंड वेयर इज योर आंसर 12, मतलब योर आंसर शुड बी 5.17. तो अभी बढ़ते हैं हमारे बीट नंबर थ्री की तरफ और उसी के बाद देखेंगे हमारा बीट नंबर फोर. एंड व्हाट इज योर बीट नंबर थ्री. ओके, नाउ आई विल राइट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल बीट नंबर थ्री, दैट गिव्स यू 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 3.1. व्हाट यू गेट, 1.3. अभी मैं क्या करूंगा, डेसिमल पॉइंट रिमूव करूंगा और मल्टीप्लाई करेंगे. बड़ा नंबर पहले 31 मल्टीप्लाइड बाय 13, क्या होता है सर, 13 1 13, कैरी 1. ओके, 13 3 39 and carry one, that gives you 40. First of all I will write your answer 403. और उसके बाद अब अगेन वही क्वेश्चन, वेर वी हैव टू गिव द डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे वन डिजिट के बाद थे, यहाँ पे वन डिजिट के बाद थे. वन वन, वन प्लस वन कितना होता है टू. वी हैव टू गिव द डेसिमल पॉइंट आफ्टर टू डिजिट, लेफ्ट साइड से देखने का, वन टू. अब आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे. तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट बीट की तरफ, दैट इज बीट नंबर फोर. एंड देर आर मेनी क्वेश्चंस इन योर एक्सरसाइज एंड यू कैन सिंप्लीफाई योर सेल्फ. ओके, कुछ क्वेश्चंस आपको भी सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे और एग्जाम आपको ही फेस करनी है, याद रखना हमेशा. नाउ 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 316.8 इक्वल टू, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं डेसिमल पॉइंट रिमूव करूंगा और बड़ा डिजिट ऊपर लिखूंगा, 3168 मल्टीप्लाइड बाय 2. नाउ व्हाट यू गेट हियर, 2 8 16 कैरी 1, 2 6 12 1 13 कैरी 1, 2 1 2 + 1 3, 2 3 6, ठीक है. नाउ आई विल राइट योर आंसर हियर, दैट इज 6 3 3 6. एंड वन मोर टाइम हियर, ठीक है, वेर वी हैव टू गिव द डेसिमल पॉइंट. ओके, इफ यू ऑब्जर्व हियर, दिस इज द आफ्टर वन डिजिट डेसिमल पॉइंट और यहाँ पर भी वन डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है. वन प्लस वन कितना होता है टू, दैट मीन्स वी हैव टू गिव द डेसिमल पॉइंट हियर. ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पे फोर बिट्स देख लिए. अब आगे वाला जो पार्ट है डिवीजन है और डिवीजन इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर रिलेटेड टू डिवीजन रहने वाला है. ओके, चलो देखते हैं अभी हमारा क्वेश्चन नंबर फोर. ओके स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं हम हमारे डिवीजन की तरह, व्हाट इज दैट, ठीक है, हाउ टू डू द डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर. एंड कुछ कॉम्प्लिकेट क्वेश्चंस भी होंगे जो मैं आपको बताऊंगा. डिवीजन बाय 10, 100, 1000 कैसा होता है और वो डिपेंड अपॉन दैट यू कैन सिंप्लीफाई योर रिमेनिंग क्वेश्चन आल्सो एंड डिपेंड अपॉन द नंबर्स आल्सो. कॉन्सेंट्रेशन देना बहुत ईजी है, दिखने में बहुत डिफिकल्ट दिखता है. एंड द कंसेप्ट ऑफ डेसिमल, कहाँ पे डेसिमल पॉइंट देना है वो भी बताऊंगा, अच्छे से ध्यान देना. तो स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, 2 से 0.4 को डिवाइड कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर 2 और अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.4, ठीक है, या आप डायरेक्टली 4 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, 0 को कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होता है यहाँ पे. ओके, नाउ 2 के टेबल में 2 आता है, चलो इसे 0 रख लो. 0 को डिवाइड करेंगे 2 0 0, रिमाइंडर कितना आने वाला है 0. टेक योर नेक्स्ट नंबर दैट इज 4 एंड यू नो दैट 2 2 4, ठीक है, रिमाइंडर शुड बी 0.
अब जब रिमाइंडर जीरो आता है, इसका एक मीनिंग होता है कि आपका डिवीजन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नाउ डिवीजन कंप्लीट हो गया, मतलब इसका आंसर आ गया 02। एंड वन मोर टाइम वही कंसेप्ट, डिवीजन का डेसिमल पॉइंट कहाँ पे देना है, ठीक है। यहाँ पर वन डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट था, तो आपके आंसर में भी वन डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा, दैट इज 0.2। तो इसी तरह से सेकेंड बिट भी देखते हैं और आपके कंसेप्ट को अच्छे से समझाने का हेल्प करते हैं। नाउ 0.35 डिवाइडेड बाय 5। नाउ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5, उसे हम डिवाइड करने वाले 0.35 से, ठीक है। कुछ देर के लिए मैं 0 वाला डिजिट रिमूव कर देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। रखना है तो रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 0 0, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो ये पॉइंट के इधर वाले को आपने सिंप्लीफाई किया, आप यहाँ पर अगेन पॉइंट दे सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद टेक योर नेक्स्ट नंबर 3, 5 के टेबल में 3 नहीं आता है, 5 0 0, रिमाइंडर कितना आ गया 3। टेक योर नेक्स्ट नंबर, व्हाट इज दैट 5, अभी देखो 35 बन गया, 5 7 35, एंड व्हाट इज योर रिमाइंडर 0 0, तो ये आपका आंसर हो गया 0.07, ठीक है। तो ये इस तरह से करते हैं डिवीजन। तो बढ़ते अभी हमारे बिट नंबर 3 की तरफ, तो क्या दिया है, और ये घर पर आपको प्रैक्टिस करना है, कुछ क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज में भी है। यू हैव टू अटेम्प्ट दैट ऑल क्वेश्चंस टू बी परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, मेरा स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करते रहो, फ्री टाइम आपके पास बहुत सारा अवेलेबल है, ओके। नाउ इसके बाद हम लिखते हैं अभी बिट नंबर 3, 2.48 डिवाइडेड बाय 4। तो वही कंसेप्ट, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 4 यहाँ पे लिखना है और ये लिखेंगे 2.48। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 के टेबल में 2 आता है क्या, नहीं आता है, गिव द डेसिमल पॉइंट हियर 0, 4 0 0, रिमाइंडर कितना आ गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट था, इस डिजिट को हमने डिवाइड कर लिया, इस वजह से आप यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दे सकते हो, क्यों, तो डेसिमल पॉइंट के पहले वाला डिजिट उसको हमने डिवीजन कर लिया, एंड यू गेट डिवीजन एज अ 0, नो प्रॉब्लम, ओके। नाउ टेक योर नेक्स्ट नंबर, दैट इज 4, 4 6 24, रिमाइंडर इज 0, ओके। टेक योर नेक्स्ट नंबर, दैट इज 8, 4 2 8, व्हाट इज द रिमाइंडर, दैट इज 0, ओके। तो अब हमारा आंसर क्या हो गया, ये 0.62, दो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया था। तो अभी बढ़ते हैं हमारे बिट नंबर 4 की तरफ, आई होप अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा और आपको प्रैक्टिस भी करनी है। चलो तो देखते हैं अभी हमारा बिट नंबर 4 क्या दिया हुआ है, दैट इज बिट नंबर 4 बहुत ईजी है, 14.49 डिवाइडेड बाय 7। तो वही कंसेप्ट, हमारा रेगुलर डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे, 7 डिवाइडेड बाय क्या दिया है हमको 14.49। तो डिवीजन करना स्टार्ट करते हैं, 7 0 0, क्यों, तो फर्स्ट डिजिट जो 1 था वो 7 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। टेक योर नेक्स्ट नंबर, दैट इज 4, कितना हो जाएगा 7 2 14, रिमाइंडर इज 0 0। टेक योर नेक्स्ट नंबर 4, ये 4 भी 7 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। और दूसरी बात, ये 14 का डिवीजन कंप्लीट हो चुका है, मतलब आप यहाँ पे पॉइंट दे सकते हो, ठीक है। पॉइंट से पहले वाला डिजिट जो 14 है उसका डिवीजन कंप्लीट हो चुका है, ये हो जाएगा 4 के टेबल में, 7 के टेबल में 4 नहीं आता है, वी कैन डिवाइड इट बाय 0, 7 0 0, व्हाट यू गेट रिमाइंडर 4। टेक योर नेक्स्ट नंबर, दैट इज 9, एंड यू नो दैट 7 7 49, रिमाइंडर इज 0 0। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, अब ये 0 को कोई वैल्यू नहीं है, आप लिखना है लिखो या मत लिखो, 2.07 इज योर आंसर। तो अभी बढ़ते हैं दैट इज 5th बिट, 6th बिट एंड 7th बिट की तरफ। 5th बिट 6th बिट 7th बिट में एक कॉमन पॉइंट है, वो डिवाइड बाय 10, डिवाइडेड बाय 100 और डिवाइडेड बाय 1000 है। तो उसको डिवाइड करना बहुत ईजी होता है, यू हैव टू जस्ट रिमूव डेसिमल पॉइंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कितने डिजिट शिफ्ट करना है वो जीरोस के ऊपर डिपेंड होता है, और वो मैं अभी आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है, चलो ध्यान देना। 4.8 डिवाइडेड बाय 10। तो अभी हम क्या करेंगे, डिवीजन करने से बेटर एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको देता हूँ, ठीक है। क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन योर नंबर 48, लिख दिया, पॉइंट डेसिमल कहाँ पर है, यहाँ पर, किससे डिवाइड कर रहे हैं 10 से,
कितने जीरोज है यहाँ पे? ओनली एंड ओनली 1 0. शिफ्ट यूअर डेसिमल पॉइंट टू लेफ्ट साइड बाय 0. कितना हो जाएगा? 0.48. 1 2. पहले यहाँ पर पॉइंट था, अभी वो शिफ्ट हो गया यहाँ पे. समझ में आ गया? इतना बहुत ईजी है. डिवाइड करना है, यू हैव टू जस्ट शिफ्ट यूअर पॉइंट. ओके, इवन मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, वो राइट साइड में शिफ्ट होता है, और डिविजन में क्या होता है, लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है. ये पॉइंट लाइफ टाइम रिमेंबर रखना. जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, ये राइट साइड में शिफ्ट होता है, और जब हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है, कंपलसरी. कई बार एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है. नहीं तो आप डिवीजन करके भी देख सकते हो, जो हमने फोर्थ बीट तक किया था, यू कैन डिवाइड इट ऑल्सो. नाउ व्हाट अबाउट योर बीट नंबर 6? योर बीट नंबर 6 इज 432.6 डिवाइडेड बाय 100, दैट गिव्स यू. अभी ये 100 है, 2 डेसिमल पॉइंट है, ठीक है. अभी प्रेजेंटली आपका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पर 2 डिजिट 2 जीरोज है, मतलब हमको 2 डेसिमल प्लेस को, पॉइंट को, 2 डिजिट को लेफ्ट साइड मूव करना पड़ेगा. तो क्या हो जाएगा? 1 2. अभी पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा. योर आंसर इज 4.326, ठीक है. उसके बाद दैट इज योर लास्ट बीट, बीट नंबर 7, 0.5 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है. यहाँ पर भी स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, सर यहाँ पे तो ज़्यादा डिजिट ही नहीं है, कैसे शिफ्ट करेंगे? बेसिक रूल, आपको क्या करना है, राइट डाउन ईयर 3 0, 1 2 3, और यहाँ का 1 0, टोटल इधर के 3 जीरोज और यहाँ का 1 0. हाउ मेनी जीरोज आर देर? 4 जीरोज. एंड राइट डाउन योर 5. ओके, फिर से बताता हूँ, यहाँ पे 4 जीरो कहाँ से आए? दीज आर द 3 जीरोज फ्रॉम 1000 एंड 1 0 फ्रॉम 5. हाउ मेनी जीरोज वी विल गेट? 4 जीरोज. नाउ शिफ्ट योर पॉइंट. पहले पॉइंट कहाँ पे था? यहाँ पे, ये टिक मार्क कर लेता हूँ मैं. एंड वी हैव टू शिफ्ट योर डेसिमल टू 3 डिजिट. इन विच साइड? लेफ्ट साइड. 1 2 3. योर आंसर शुड बी 0.005. ओके, तो इस तरह का था डिवीजन, तो जो कि हमने यहाँ पे कंप्लीट किया. डेसिमल पॉइंट का डिवीजन मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हुआ. जो एक दो क्वेश्चन हमारे रहे वो आपको प्रैक्टिस करनी है. ओके, तो इस तरह से हमने हमारा सेकेंड टॉपिक दैट इज फ्रैक्शन एंड डेसिमल कंप्लीट किया. फ्रैक्शन को भी अच्छे से स्टडी करना, डेसिमल को भी करना. ओके, एंड और भी जो कुछ एक दो सेक्शंस हमारे रह गए, क्वेश्चंस हमारे रह गए, वो आपको होमवर्क करेंगे. यू हैव टू अटेम्प्ट दैट. डिफिकल्टी आ गई तो वो भी हम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है. स्टे सेफ, स्टे एट होम.